फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछले दिन मैं केंद्रीय विद्यालय के बारे में जब बताने आई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली होता है, तो उस पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि मैम जब पटना का आएगा या और भी जिले का आएगा, सब अपने अपने जिले के बारे में नीचे कमेंट में लिख रहे थे, तो बताइएगा जरूर। तो एक वैकेंसी फिर से आई है पटना, केंद्रीय विद्यालय पटना, जो बेली रोड में है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2। पटना में कई केंद्रीय विद्यालय है, इसलिए बेली रोड में है केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, तो वहाँ वैकेंसी आई है। तो मैं सोची हूँ आप लोगों से शेयर कर दूँ, क्योंकि पटना के बहुत सारे लोग उसमें नीचे रिक्वेस्ट किए थे कि बताइएगा मैम जरूर। कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं खुद से, तो मैं सोची हूँ कि चलो बता देती हूँ। मुजफ्फरपुर का आ चुका है, पिछले दिन मैं समस्तीपुर का शेयर की थी, वहाँ का आ चुका है, सारे जिले का आता है। और उसमें क्या होता है कि जो केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल है, वो अपने पद के अनुसार अपने स्कूल के लिए विज्ञप्ति निकलवाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको पूरे पटना का एक ही बार में मिलेगा, सारे केंद्रीय विद्यालय का अलग अलग। जैसे मुजफ्फरपुर में ना झपहा का आया हुआ है, अभी गन्नीपुर का नहीं आया, झपहा में जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ का आया हुआ है। तो ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक साल के लिए होता है, लेकिन कई बार आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है ना, और एक बार आप चले जाते हो तो फिर आपको अलग से मार्क्स मिलता है, इंटरव्यू फिर से होगा आपका, लेकिन अलग से उसका मार्क्स ऐड हो जाता है, जो आपके पास एक्सपीरियंस रहता है तो उसके हिसाब से। और वहाँ सैलरी भी बहुत अच्छी है, जो मतलब जो बिहार शिक्षक का भी, हम लोग का जो सैलरी है अभी, तो फिलहाल जिनका नियोजन होगा उनको तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन हम लोग काफ़ी टाइम से है, तो हम लोग को जो अभी जितना सैलरी मिलता है ना, उतना सैलरी केंद्रीय विद्यालय में अगर आप जिस समय ज्वाइन करेंगे उस समय ही आपको मिलेगा। चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो भी कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी उतना मिलता है। वैसे परमानेंट वाले का तो बहुत ज़्यादा है, 50,000 प्लस सैलरी है पीआरटी में भी, तो उनकी तो बात ही हटा देनी है। लेकिन फिलहाल आप इसमें जा सकते हैं, अगर हो जाता है ना तो बहुत अच्छी बात होती है, अच्छी चीज़ है ये भी। तो इसमें आपको टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों में सीट है, तीनों में वैकेंसी आई है, और बहुत सारे सब्जेक्ट में है। मैं बताती हूँ, आप मुझे पूरा याद नहीं है कि किन किन सब्जेक्ट में है, मैं देख के आपको बताती हूँ, विज्ञप्ति जो निकला हुआ है विज्ञप्ति में देख के बताती हूँ कि किन किन सब्जेक्ट के लिए सीट वहाँ पे खाली है। तो अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर हिंदी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और कॉमर्स, ठीक है। फिर से आप दोबारा चला सकते हैं, अगर एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा मैं नहीं बोलूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर है टीजीटी में साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, ठीक है, तीन सब्जेक्ट में है, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। और पीआरटी में तो ऑल सब्जेक्ट आता है, तो ऑल सब्जेक्ट के लिए है। डेट बता दूं, डेट है इसका, डेट कब का है एक सेकेंड मैं बताती हूँ, इंटरव्यू का जो डेट है वो है 1/3/2020, 1 मार्च 2020, तीनों का, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों का। और वहाँ पे 8 बजे पहुँच जाना है, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करवा लेना है, और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो, जो मैं पिछले दिन भी बताई थी, अगर उस वीडियो को भी नहीं देखे होइएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वो समस्तीपुर का था, पूषा का। और अगर आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं कि किस विषय में कितना सीट है ये सब, तो इसका वेबसाइट है, वेबसाइट में बता देती हूँ देख के, वेबसाइट है number2patna.kvs.ac.in। वैसे मैं आगे इसका कटिंग, जो पेपर का कटिंग है, वो थंबनेल पे लगा दूंगी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।